आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर्यश धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा विषय है, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 63 भूमि विधि के अंतर्गत, यानी कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 भूमि विधि के अंतर्गत धारा 63 ऐसी भूमि जिसे आबादी स्थलों के लिए आवंटित किया जा सकता है। तो साथियों उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 63 में बताया गया है कि किस प्रकार की भूमि का आबादी यानी आवासी या मकान निर्माण के लिए आवंटन किया जाएगा। तो साथियों जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट भी किया करें। तो आइए साथियों देखते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 भूमि विधि के अंतर्गत धारा 63 ऐसी भूमि जिसे आबादी स्थलों के लिए आवंटित किया जा सकता है। धारा 63 के उपधारा 1 में बताया गया है कि उप जिला अधिकारी 113 से या भूमि प्रबंधक समिति के संकलन के आधार पर जब किसी गांव में आबादी आवासी या भवन निर्माण की भूमि का आवंटन होता है तो भूमि प्रबंधक समिति उप जिला अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त करता है या उप जिला अधिकारी भूमि प्रबंधक समिति के संकलन के आधार पर ही आवंटन करता है। और इसके साथ में आबादी स्थलों की व्यवस्था है तो निम्नलिखित श्रेणी की भूमि चिन्हित कर सकता है आवंटन के लिए, यानी कि आबादी आवासी भवन निर्माण की भूमि के आवंटन के लिए भूमि को चिन्हित करेगा। आबादी स्थलों की व्यवस्था है तो निम्नलिखित श्रेणी की भूमि चिन्हित कर सकता है। तो साथियों अब हम देखते हैं धारा 63 की उपधारा 1 के खंड का में कहा गया है, ग्राम पंचायत को सौंपी गई या सौंपी गई समझी जाने वाली भूमि राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को सौंपी गई या सौंपी गई समझी जाने वाली भूमि का भी आवंटन ग्राम पंचायत कर सकती है, यानी कि ग्राम पंचायत समिति आवासी आबादी भवन निर्माण के लिए इस प्रकार की भूमि का आवंटन कर सकती है जो ग्राम पंचायत को सौंपी गई हो या उस ग्राम पंचायत को सौंपी गई समझी जाती हो। अब धारा 63 की उपधारा 1 के खंड खा में बताया गया है, इस संहिता के किसी अन्य उपबंध के अधीन ग्राम पंचायत के कब्जे में आने वाली समस्त भूमि, खंडखा में बताया गया है कि यदि किसी उपबंध के अधीन कोई भूमि ग्राम पंचायत को सौंपी गई है, ग्राम पंचायत के कब्जे में वो है, तो उस समस्त भूमि का आवंटन यानी कि आवासी प्रयोजन के लिए आवंटन कर सकेगी। अब देखते हैं धारा 63 की उपधारा 2 में बताया गया भूमि प्रबंधक समिति उप जिला अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से जब भी ग्राम पंचायत समिति यानी कि भूमि प्रबंधक समिति जब भी आवासी आबादी या भवन निर्माण हेतु भूमि का आवंटन करेगी तो उससे पूर्व उप जिला अधिकारी का अनुमोदन यानी उसकी सहमति उसकी संस्तुति उसकी स्वीकृति लेना आवश्यक होगा। यदि भूमि प्रबंधक समिति बगैर उप जिला अधिकारी की अनुमति संस्तुति के बिना आवंटन करती है तो वो आवंटन अवैध माना जाएगा, वो आवंटन रद्द करने योग्य होगा। जब भी आवासी या आबादी भवन निर्माण के लिए
भूमि प्रबंधक समिति भूमि का आवंटन करेगी तो उसके पूर्व उप जिला अधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक होगा। तो साथियों, धारा 63 की उपधारा 2 के खंड का में बताया गया है कि उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट कोई रिक्त भूमि, बताया गया है कि धारा 63 की उपधारा में आबादी स्थलों की व्यवस्था है, निम्नलिखित श्रेणी की भूमि जो भी ग्राम पंचायत को सौंपी गई है वो भूमि का आवंटन आबादी या आवासीय प्रयोजन के लिए किया जा सकता है। ये धारा 63 की उपधारा 2 के खंड का में बताया गया है, और खंड खा में बताया गया है उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम अधीन आबादी स्थलों के लिए चिन्हित कोई भूमि, जब किसी गांव में चकबंदी होती है तो उस चकबंदी के दौरान चकबंदी अधिकारियों द्वारा जो ग्राम में नियमानुसार आबादी यानी कि आवासी या भवन निर्माण हेतु भूमि चिन्हित की जाती है वो भूमि आवासी आबादी और भवन निर्माण के लिए ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित की जाएगी। तो इसके लिए भी उप जिलाधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक होगा। उप जिलाधिकारी की अनुमति के बगैर यदि आवासी या आबादी या भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटित की जाती है तो वो आवंटन अवैध माना जाएगा। साथियों, यहाँ पे जो आवासी और आबादी और भवन निर्माण तीनों का मतलब एक ही है, तीनों के माने एक ही होती है। तो साथियों, अब हम देखते हैं, यानी कि खंड खा में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 के अधीन आबादी स्थलों के लिए चिन्हित कोई भूमि, कहने का मतलब है, फिर एक बार इसको समझ लेते हैं खंड खा को, उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 के अधीन यदि किसी गांव में चकबंदी होती है तो उस चकबंदी के दौरान चकबंदी अधिकारी या चकबंदी विभाग द्वारा कह लीजिए आबादी आवासी या भवन निर्माण प्रयोजन के लिए जो भूमि रिक्त छोड़ी जाती है उसे ग्राम पंचायत द्वारा उप जिला अधिकारी के अनुमोदन यानी उसकी संस्तुति और उसकी स्वीकृति और उसकी मान्यता के आधार पर इसका आवंटन कर सकती है। अब हम देखते हैं खंडगा यानी धारा 63 की उपधारा 2 के खंडगा में बताया गया है भूमि अर्जन अधिनियम 1894 अधिनियम संख्या 1 सन 1994 और भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 अधिनियम संख्या 30 सन 2013 के उपबंधों के अधीन आबादी के लिए अर्जित कोई भूमि। तो साथियों, धारा 63 की उपधारा 2 के खंड गा में ये बात कही गई है कि यदि कोई भूमि इस अधिनियम भूमि अर्जन अधिनियम 1994 अधिनियम संख्या 1 सन 1994 और भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 अधिनियम संख्या 30 सन 2013 के उपबंधों के अधीन आबादी के लिए यदि कोई भूमि अर्जित की गई है, इस अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई भूमि ग्राम सभा में अर्जित की गई है आबादी के लिए तो उस भूमि का भी आवंटन ग्राम पंचायत समिति द्वारा उप जिला अधिकारी के अनुमोदन यानी उप जिला अधिकारी की संस्तुति
से किया जाएगा। तो साथियों हमने देखा यानी कि समझा, चर्चा किया उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 भूमि विधि के अंतर्गत धारा 63 ऐसी भूमि जिसे आबादी स्थलों के लिए आवंटित किया जा सकता है। तो हमने धारा 63 की उपधारा एक के खंड का खंड खा के विषय में चर्चा किया और जाना, और धारा 63 की उपधारा दो के खंड का खा और गा के संबंध में जाना और चर्चा किया। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की धारा 63 के संबंध में कि धारा 63 क्या है। तो साथियों हमारे चैनल पे हमारे जो व्यूवर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करें, लाइक भी करें। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।